चलिए रेडी है। हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास फिफ्थ का मैथ सब्जेक्ट मैथ का चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 है रिवीजन। चैप्टर नंबर 1 रिवीजन। रिवीजन का मतलब यह होता है कि आप लोगों ने जो पिछली कक्षा में पढ़ा है उसी को इस चैप्टर में रिवाइज करना है। तो रिवीजन में सबसे पहले इसमें दिया है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, 1, 10, 100, 1000, उसी नंबर सिस्टम को इसमें फिर देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द इंडियन नंबर। राइट द इंडियन नंबर नेम ऑफ द गिवन न्यूमरल्स। जो भी नंबर दिया गया है उसको इंडियन नंबर में लिखना है। अब देखिए इसमें ए दिया है 10010। अब इसमें हमको इंडियन नंबर में लिखने के लिए सबसे पहले मंथ्स, 10, 100, 1000, 10,000, lakhs ऐसे लिखते हैं। फिर राइट टू लेफ्ट, वंस के नीचे 0, 1, 0, 0, 1, यानी मंथ्स, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड। यानी जब हम इसको नंबर सिस्टम में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 10,000, 10,000, 100 के नीचे 0 है तो कुछ नहीं। फिर 10, 10,000, 10, तो ये है 10,000, 10 नंबर सिस्टम में, इंडियन नंबर सिस्टम में। अब इसका भी देख लीजिए, 69990। फिर वही प्रोसेस, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, 09996, ये हो जाएगा 69,000। उसके बाद 100 के नीचे देखिए 9 आया है और 10 के नीचे 9, फिर 1 के नीचे 0, यानी 900, 10 और 1 मिला के 19, यानी 990। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए और बी हो गया है, बाकी आगे का आप लोग खुद करोगे। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, राइट द न्यूमरल्स ऑफ द गिवन नंबर नेम। नंबर नेम दिया है, इसको हमको न्यूमरल यानी डिजिट में लिखना है। राइट द न्यूमरल्स फॉर द गिवन नंबर नेम। नंबर नेम दिया है, न्यूमरल में लिखना है। ए है 1 lakh, 1 lakh, तो सबसे पहले नंबर नेम में लिखने के लिए 1, 10,
लैक्स, 1 लाख दिया है यानी लैक्स के नीचे 1 और बाकी आगे कोई डिजिट नहीं है तो बाकी आगे 0। ये हो गया हमारा 1 लाख। बी है 9 लाख एंड 7, 9 लाख एंड 7। फिर सेम प्रोसेस, 1, 10, 100, 1000, 10,000 लाख। 9 लाख यानी लैक्स के नीचे 9, बाकी ना इसमें 1000 आया है ना इसमें 100 आया है, डायरेक्ट सीधे क्या है 7 आया है, मंथ्स की जगह पे 7, बाकी जहाँ पे कुछ नहीं आया है वहाँ पे 0। तो ये हो गया हमारा 9 लाख 7। बाकी टू का क्वेश्चन नंबर टू का ए बी हो गया, उसके बाद सी डी ई एफ आप लोग खुद करिएगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री, इसको इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में लिखना है, जो भी डिजिट दिए हैं उसको इंटरनेशनल, राइट द इंटरनेशनल इंटरनेशनल नंबर नंबर नेम्स ऑफ द गिवन नंबर। इंटरनेशनल नेम ये है 210, फिर 210 पर कॉमा लगाया है, ये इंटरनेशनल सिस्टम लिखने की पद्धति है। 210 पर कॉमा, फिर ये है 600। तो इंटरनेशनल सिस्टम में लिखने के लिए ये हो जाएगा 1, 10 और 100, उसके बाद फिर ये हो जाता है ये 100 और ये हो जाता है 1000, यानी 200, 100, 10,000, 200, 10,000, 600। नेक्स्ट बी है 700215, यानी ये हो जाएगा 715। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थ्री, इसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर प्लेस वैल्यू उनको दिखाना है। क्वेश्चन नंबर फोर, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ अंडरलाइन डिजिट। तो क्वेश्चन नंबर फोर का ये है, और 1 के नीचे अंडरलाइन है। प्लेस वैल्यू दिखाने के लिए सबसे पहले वही 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 एंड लास्ट। अब जो अंडरलाइन वाली डिजिट है वो कहां पे आ रही है हमारी, 1000 पे आ रही है, यानी इसकी प्लेस वैल्यू क्या है 1000 और प्लेस वैल्यू 1000 है, तो ये डिजिट क्या है 1, यानी इसकी प्लेस वैल्यू क्या है 1000। उसी तरह बी 3, 4, 5, 2, 6,
फिर वही प्रोसेस वंस टेन हंड्रेड थाउजेंड फिर टेन थाउजेंड प्लेस वैल्यू हमको दिखाना है यहाँ पे टू का, तो जो टू है टू की प्लेस वैल्यू क्या है टेंस पे है, टू की वैल्यू प्लेस वैल्यू टेंस पे है यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी राइट ठीक है। बाकी आगे का देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर का बी। अब क्वेश्चन नंबर फोर का ए बी हो गया, इसमें एक और देख लीजिए क्वेश्चन नंबर फोर का ई। 308512 इसकी भी प्लेस वैल्यू में इसमें प्लेस वैल्यू दिखानी है हमको जीरो की, तो जीरो की प्लेस वैल्यू के लिए फिर जीरो टेन हंड्रेड थाउजेंड फिर टेन थाउजेंड, तो जीरो की जो प्लेस वैल्यू कहाँ पे आ रही है 10,000 पे, और 10,000 पे है और डिजिट कौन सा है जीरो, इस वजह से इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो। डिजिट जीरो, अगर यही इसमें वंस टेन हंड्रेड थाउजेंड पे हमारा डिजिट वन आ रहा था तब हमारा प्लेस वैल्यू यहाँ पे क्या हो रहा था थाउजेंड हो रहा था, अब जीरो है तो इसका प्लेस वैल्यू जीरो ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। क्वेश्चन नंबर फाइव का ए है और थर्टी टू थाउजेंड थ्री हंड्रेड थर्टी फाइव एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के लिए सारे डिजिट को जो भी डिजिट दिए हैं सबको अलग अलग लिखना पड़ेगा, तो फिर वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड ठीक है, यानी जो थ्री की वैल्यू है वो टेन थाउजेंड पे आ रही है यानी 10,000 मतलब 3 और उसके बाद 3 के बाद 1 2 3 4 4 0 यानी 30,000 3 की प्लेस वैल्यू थी 1000 पे यानी 30,000, उसी तरह प्लस 2 1000 पे है प्लस 2000 प्लस 300 प्लस 30 प्लस 5, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 1000 प्लस 3 इंटू 100 प्लस 3 इंटू 10 प्लस 5, ऐसे भी लिख सकते हैं। उसी तरह 5 का भी 74,054, तो उसी तरह फिर 1s 10s 100 1000 फिर 10,000 7 70,000 1 2 3 1 2 3 4 plus 4 1 2 3 plus यहाँ पे वैल्यू जीरो है तो जीरो को छोड़ देंगे, फिर 5 plus 4 इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 7 into 4 plus 4 into 1000 plus 5 into 10 plus 4। क्वेश्चन नंबर फाइव ए बी हो गया, आगे का आप आउटपुट करिएगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स,
क्वेश्चन नंबर 6 एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। अभी एक्सपेंडेड फॉर्म बताया गया पहले, अब इसको अब शॉर्ट फॉर्म देख लीजिए। राइट द फॉलोइंग इन द शॉर्ट फॉर्म। देखिए ये एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया है 4000 प्लस 300 प्लस 10 प्लस 1। अब शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए 4000 है तो 4 प्लस 300 है 3 प्लस 10 और 1 यानी 11। तो ये हो जाएगा 4311। इसका क्वेश्चन नंबर भी देख लीजिए। प्लस 9000 प्लस 100 प्लस 20 प्लस 4 यानी 6924 यानी 69124। क्वेश्चन नंबर 6 का ए बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 ये भी किसी कक्षा में आप लोग पढ़े होंगे। फाइंड द सम, फ्रैक्शन दिया है उसका हमको सम निकालना है, सम मतलब उसको जोड़ना है। फाइंड द सम, क्वेश्चन नंबर ए है 2/3 प्लस 5/10 प्लस 8/15। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर जब फ्रैक्शन में जब डिनोमिनेटर जब अलग अलग रहता है तो एक डिनोमिनेटर करने के लिए क्या करते हैं उसका एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम 3, 10 और 15 का एलसीएम निकालिए। 3, 10, 15 एलसीएम हो जाएगा 5, 15 3, 1, 5, 5 एलसीएम कितना हो जाएगा 30। एलसीएम 30। अब इस 30 में इस 3 से क्या करेंगे, 30 को 3 से डिवाइड करेंगे। 30 को 3 से डिवाइड करेंगे 3 10 30। जो आंसर आता है उसमें हम ऊपर वाले से यानी न्यूमरेटर से क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 10 30 10 into 2 उसी तरह 10 3 30 3 into 5 उसी तरह 15 2 30 2 into 8 20 plus 15 plus 16 upon 30। अब इसको ऐड कर लीजिए 5 6 11 1 2 2 4 और 1 रिमाइंडर 5 51/30 ये हो जाएगा आंसर। जब डिनोमिनेटर अलग अलग रहता है तो उसको एक डिनोमिनेटर करने के लिए पहले एलसीएम निकालना जरूरी रहता है। क्वेश्चन नंबर 7 का ए हो गया, 7 का बी आप लोग खुद सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 फाइंड द डिफरेंस, डिफरेंस मतलब अंतर माइनस करना है। क्वेश्चन नंबर 8 का ए में देखिए दोनों डिनोमिनेटर सेम है, इस वजह से इसको आप लोग खुद करिएगा। 8 का बी देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 का भी 8/16 - 32/64। अब 60 और 64 का जब एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 64 आएगा। पर प्रोसेस देख लीजिए 2 8 4 2 4 2 2 4 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
सेम ऑयल प्रोसेस 64 डिवाइडेड बाय 16 इज इक्वल टू 4 4 इनटू 8 माइनस 64 डिवाइडेड बाय 64 1 1 इनटू 32 यानी 32 माइनस 32 बाय 64
32 माइनस 42 जीरो बाय 64 इज इक्वल टू जीरो आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 का बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होता है, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो उसका आंसर आता है वही हमारा प्रोडक्ट होता है। तो फाइंड द प्रोडक्ट, फाइंड द प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 156 × 72। प्रोडक्ट देखना है, मल्टीप्लाई करके पहले इसको 156 × 72। 2 6 12, रिमाइंडर 1, 2 5 10 और 1 11, फिर रिमाइंडर 1, 2 1 2 1 3, 7 6 42, रिमाइंडर 4, 7 5 35 39, रिमाइंडर 3, 7 1 73 10, 2 3 12 11, यानी इसका प्रोडक्ट आ गया 11,232। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 9 का ए था, फाइंड द प्रोडक्ट। मल्टीप्लाई करना है, आप लोग मल्टीप्लाई करिएगा, ए बता दिए हैं, अब बी सी डी ई एफ ये लोग आप लोग अपने आप से करिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, डिवाइड एंड राइट द रिमाइंडर एंड क्वाटियन। डिवाइड करना है, डिवाइड एंड राइट द रिमाइंडर रिमाइंडर एंड क्वाटियन। डिवाइड करना है, डिवाइड मतलब यानी भाग देना है, उसके बाद रिमाइंडर, रिमाइंडर का मतलब पता ही आप लोगों को, जो भी शेष बचता है, जो भी कुछ बच जाता है भाग करने के बाद वो रिमाइंडर होता है, और क्वाटियन होता है जो हमारा आंसर आता है। तो 10 का ए 78932 डिवाइड बाय 75, 78,932 को किससे डिवाइड करना है, 75 से। अब देखिए यहां पे लिखा है रिमाइंडर और यहां पे लिखा है क्वाटियन। तो सर्वप्रथम हम पहले भाग करते हैं, 78,932 डिवाइड बाय 75, वन टाइम में जाएगा 75, 39, क्योंकि 75 से 39 क्या है, छोटा है, तो अभी एक डिजिट और लिखते हैं, जब दो डिजिट एक साथ लिखते हैं तो एक जीरो आता है। अब देखिए 793 75, अब कितने टाइम में जाएगा, 5 टाइम में, 5 5 25, रिमाइंडर 2, 5 7 35 2 37, 8 1, फिर हमारा आ गया 182 डिवाइडेड बाय 75 यानी 4 टाइम्स में 150 2 3, यानी हमारा जो रिमाइंडर आया, रिमाइंडर आ गया 32 और क्वाड्रेंट आया 105 2। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 का डी, डी 4444 डिवाइड बाय 10, रिमाइंडर और ये है क्वाड्रेंट। अब भाग करिए, डिवाइड बाय 10, 10 फोर जा 40, 4 4 10 4 जा 40, 4 4 10 4 जा 40,
यानी रिमाइंडर हमारा आ गया 4 और पार्ट ए का आ गया 444। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक जो रिवीजन था ये आप लोगों को बता दिया गया, बाकी आप लोग खुद से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक आप लोग खुद से करिएगा, बाकी कहीं कोई दिक्कत हो तो इसी चैनल पे कमेंट एक बॉक्स आता है उसमें आप लोग पूछ लीजिएगा, बाकी का नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।